आओ जी क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। सेल टू राम 143, सेल टू राम, राम को सेल करिए तो राम डेबिट टू सेल्स पोस्टेड टू हिज अकाउंट, अंडरलाइन करो हिज अकाउंट, उसके खाते में। सेल बुक में गलती नहीं हुई, मेरी बात समझो ध्यान से, टेक्निकली तरीके से समझो। नहीं सुनो, सेल क्रेडिट सेल पहले कहां रिकॉर्ड हुई होगी बोलो? क्रेडिट सेल पहले किसमें रिकॉर्ड हुई होगी? सेल बुक में। एंड देन आफ्टर पोस्टेड टू द राम अकाउंट इन डेबिट साइड, राम के अकाउंट में जाके डेबिट हुई होगी। तो सेल बुक में गलती नहीं हुई, जब राम के लेजर को पोस्ट कर रहे थे ना तो वहां गलती हो गई। राम को डेबिट कितने से कर दिया? 143 की बजाय 134 से। कितने से डेबिट कर दिया? 134 से। तो क्या लिखोगे इसको? बस इस सिंगल साइडेड एरर है। राम डेबिट कितने से होना था बोलो? राम डेबिट हो रहा था 143 से, गलती से राम जी को डेबिट कितने से कर दिया? 134। तो क्या लिखेंगे? राम अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज कितना? 9 रुपए से डेबिट कर देंगे। पहले पॉइंट में किसी को डाउट? हाँ, पोस्टेड टू हिज अकाउंट। बेटे जो नहीं कह रहा उससे पंगा नहीं लेना। कह रहा है कि क्वेश्चन में ये जो कहता है रिकॉर्डेड, तो फिर कहते हैं कि एंट्री पूरी गलत है। बात समझ रहे हो? इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन में था ना कि रिकॉर्ड ही कम से किया है, तो पूरी एंट्री उठा के दोबारा और कर देंगे 9 रुपए से। देखो यदि वर्ड रिकॉर्डेड होता तो क्या होता? सोचो यदि वर्ड रिकॉर्डेड होता तो क्या होता? राम टू सेल्स 9 रुपए, पर ये क्या लिखा है? पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में गलती हुई है। जिसको लेके क्वेश्चन साइलेंट है ना बेटा, उससे आप पंगा नहीं लोगे। इसका वी आप अज्यूम करके चलोगे कि वो वाला पार्ट तो ठीक हुआ होगा। हाँ या ना? पहले पॉइंट में किसी को डाउट बेटा? आओ जी सेकंड पॉइंट पे आओ, क्या कहता है बताओ? सेल टू राम 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट, सेम बेटा सेम, बस लैंग्वेज की लैंग्वेज कर दिया और डेबिट में भी सेम रहेगा। तो सेकंड पॉइंट का आंसर भी बेटा यही है। आ जाओ थर्ड वाले पे, किस पे आ जाओ? राम टू सेल्स टू राम 143 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। बाप रे बाप, होना क्या चाहिए था राम को? राम डेबिट टू सेल्स 143। गलती से जब हमने सेल बुक में रिकॉर्ड करा, उसके बाद जब राम के लेजर में गए होंगे तो राम को डेबिट करना था या क्रेडिट? गलती से राम के लेजर को क्या कर दिया? क्रेडिट। राम के लेजर में जाके डेबिट होना चाहिए था ना, पर राम के लेजर में जाके क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो क्या लिखोगे बेटा? टू राम हो गया। क्या हो गया? वो भी कितने से? तो अब देखो, होना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, तो इन दोनों के सम से क्या कर देंगे? डेबिट। तो बोलो राम अकाउंट विल बी डेबिटेड 2,270 143 प्लस 134। ये सुन, डाउट किसी को इन दो तीनों पॉइंट्स में? बेटे देखो, राम को क्या होना चाहिए था? डेबिट, पर राम गलती से क्या हो गया? क्रेडिट। तो बताओ क्या करें? मैंने आपसे 500 रुपए लेने थे, गलती से मैंने आपको 200 रुपए दे दिए, तो बताओ ठीक कैसे करूं? अब बड़ी जल्दी समझ गए, यही डेबिट क्रेडिट है बेटा। करना था डेबिट, हो गया क्रेडिट, तो पहले डेबिट करेंगे 134 से इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, फिर 143 से दोबारा डेबिट करेंगे क्या करने के लिए? उसके इम्पैक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ या ना? हाँ, 277 से कर दिया। डाउट किसी को इसमें?